देख रहे थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप्स, जिसमें सबसे पहले देख लिया हमने रजिस्टर्ड डिबेंचर, फिर देख लिया हमने बियरर डिबेंचर। अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर पे कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर किसे कहते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स परिवर्तनीय ऋण पत्र। कन्वर्टेबल, किसी भी आप गारमेंट शॉप में जाइए, गारमेंट शॉप में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो शॉप वाला है ऑप्शन रख सकता है आपके सामने कि आप पसंद कर लो, पहन के देख लो, नहीं समझ में आवे तो वापस लेके आ जाना। उसे कहते हैं कन्वर्टेबल ऑप्शन, कि कंपनी भी एक ऑप्शन देती है जिसमें प्रेफरेंस शेयर आप रख सकते हो, डिबेंचर आप रख सकते हो, अगर फिर भी पसंद नहीं आए तो कंपनी उसे एक्सचेंज कर देगी विद इन 36 मंथ में। 36 महीने में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, दूसरे प्रेफरेंस शेयर ले सकते हो, दूसरे डिबेंचर ले सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हैं। और फोर्थ नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए बताया गया है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए क्या बताया आपने? कंपनी के लिए बताया गया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की सोच समझ के ले हो, कंपनी ने एक बार इशू कर दिया तो फिर चेंज नहीं करेगी, फिर रिडम्पशन तक वही डिबेंचर आपके पास में रहेंगे। फिफ्थ रिडीमेबल, और सिक्स्थ इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब शोधनीय ऋण पत्र, इररिडीमेबल मतलब अशोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र जिसका एक फिक्स्ड टाइम में रीपेमेंट किया जाता है वो शोधनीय, और अशोधनीय जिसके लिए रिडम्पशन का टाइमिंग, शोधन का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है वो अशोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। सेवन रिडीमेबल इररिडीमेबल हो चुका है। सेवेंथ आपके आएगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। जिस पर किसी ना किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखी हुई है वो तो सिक्योर्ड डिबेंचर, और जिस पर सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर। फिर नाइन्थ आएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिस पर इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है, जो उसके नाम के आगे लिखी हुई होती है। और दसवा जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर, एक तो फिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर, एक जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर किसे कहते हैं? जिस पे इंटरेस्ट की रेट जीरो होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है। सौ रुपए का शेयर डिबेंचर है, उसके लिए कंपनी कहती है 70 रुपए में डिबेंचर ले लीजिए, जब रीपेमेंट करेंगे तो 100 रुपए दे देंगे या प्रीमियम पे रीपेमेंट करेंगे, ताकि शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर जिस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, कम रेट में इश्यू करते हैं और टोटल पेमेंट फिर बाद में कर दिया जाता है। ये 10 प्रकार हैं डिबेंचर के लिए। फर्स्ट आपने देखा है रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ होता है। बियरर डिबेंचर वाहक ऋण पत्र, कंपनी अपने डिबेंचर को जानती है, जो डिबेंचर लेके जाएगा उसे कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगी। कन्वर्टेबल डिबेंचर परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर परिवर्तनीय ऋण पत्र, जिसे एक निश्चित समय में परिवर्तित करवाया जा सकता है, अपरिवर्तनीय जिसके लिए चेंजेबल ऑप्शन नहीं है, कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। रिडीमेबल एक फिक्स टाइम में रिपेमेंट कर देंगे, इररिडीमेबल टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कंपनी की इच्छा के अनुसार रीपेमेंट होगा। सिक्योर्ड जिसपे कोई ना कोई सिक्योरिटी है, अनसिक्योर्ड जिसपे किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। फिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर जिस पर इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, जो उसी डिबेंचर के नाम के आगे लिखी हुई होती है। और जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर जिसपे इंटरेस्ट की रेट जीरो होती है, जो कि नॉर्मली डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं। ये थे डिबेंचर के प्रकार।